हाय पीटीएस पेरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप 15 डेज में 7 ईच लेके आ सकते हैं, कौन से ऐसे मॉड्यूल्स हैं, कौन से ऐसे टास्क हैं जिन पे आपको फोकस करना है। तो आज की वीडियो में एंड तक बने रहें, सभी मॉड्यूल्स की आपको ट्रिक्स के बारे में बताया जाएगा, कैसे आपको एग्ज़ाम में परफॉर्म करके आना है, कैसे आपके मार्क्स आएंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि पीटी में ये चार मॉड्यूल्स हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। स्पीकिंग में आपके रीड अलाउड आते हैं, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब मेज एंड देन डिटेल लेक्चर। अगर आपको एग्जाम में 7 ईच लेके आना है तो आपको अपने जो रीड अलाउड हैं वो 70 प्लस रखने हैं, और जो रिपीट सेंटेंस हैं वो आपको 75 प्लस तक रखने हैं, डिस्क्राइब मेज एंड डिटेल लेक्चर वो आपको 80 प्लस रखने हैं, एंड जो आंसर शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको अराउंड 50% तक रखने हैं, जो समराइज रिटन है और जो ऐसे है वो आपको 100% सही होना चाहिए, एंड जो रीडिंग राइटिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स हैं वो आपके 70% तक एक्यूरेट होने चाहिए, एंड जो रीडिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स हैं वो आपके 60% तक करेक्ट होने चाहिए, और जो रीऑर्डर पैराग्राफ्स हैं वो आप अगर 50% भी करेक्ट करके आओगे तो आपके रीडिंग में 65 प्लस मार्क्स यानी कि 7 ईच मार्क्स आ जाएंगे। अब बारी आती है लिसनिंग की। लिसनिंग में क्या है, समराइज स्पोकन टेस्ट, वो आपको 80% तक करेक्ट होना चाहिए, जो लिसनिंग के ब्लैंक्स हैं वो आपके 85% तक करेक्ट होने चाहिए, और जो हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स हैं वो आपके 90 प्लस, एंड जो डिक्टेशन है आपकी राइट फॉर्म डिक्टेशन वो आपकी 80% तक करेक्टनेस होनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एग्ज़ाम में अगर रीड अलाउड आता है तो आपको कैसे परफॉर्म करके आना है। हम रैंडमली कोई भी एक रीड अलाउड निकालते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये वाला रीड अलाउड है, काफ़ी लेंथी रीड अलाउड है, ऐसे वैसे एग्ज़ाम में कम आते हैं, एग्ज़ाम में आपके 2-3 लाइंस तक के रीड अलाउड आएंगे। अगर आपके पास लेंथी रीड अलाउड आ जाता है तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है, कहाँ पे आपको पोजेस रखने हैं, कैसे आपकी उसमें स्पीड होनी चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस होगा। एक एक करके सभी मॉड्यूल्स के बारे में आज डिस्कस होगा कि कैसे आप 7 ईच लेके आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में अगर ये आता है तो आपको कैसे परफॉर्म करके आना है, कहाँ पर आपको पोजेस रखने हैं। तो चलिए इसको रीडो करते हैं और स्टार्ट करते हैं। अमिड द ग्लोबल वाटर क्राइसिस, द प्रोसेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी माइनिंग हैज़ बीन फाउंड टू कंज्यूम अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वाटर विथ प्रिडिक्शंस ऑफ एन इवन ग्रेटर डिमांड इन द फ्यूचर। ए रिसेंट स्टडी हैज़ प्रोवाइडेड द फर्स्ट एक्सटेंसिव कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय बिटकॉइन। द रिसर्चर्स हैज़ एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन ड्रिंकिंग वाटर इफ दिस प्रैक्टिस कंटिन्यूज विदाउट प्रॉपर रेगुलेशन। सबमिट करते हैं हम इसको, एक बार चेक करते हैं कि स्कोर कितना आ रहा है। चेक कर सकते हैं आप स्कोर कितना है, 86 आउट ऑफ 90, फ्लुएंसी 88, प्रोनंसिएशन 84, कंटेंट में है 90। आप एक बार इसको फिर से सुन सकते हैं। Amid the global water crisis, the process of cryptocurrency mining has been found to consume a substantial amount of water with predictions of an even greater demand in the future. A recent study has provided the first extensive calculation of the amount of water used by Bitcoin. The researchers has expressed concern over the potential impact on drinking water if this practice continues without proper regulation. इसमें आपने चेक किया कि मैंने कहाँ कहाँ पे पोज रखा है, प्रॉपर मैंने ये सारी लाइन कंटिन्यूसली रखी है। यहाँ पे हल्का सा पोज रखा था वाटर पे, देन फ्यूचर पे मैंने पोज रखा है, उसके बाद ये सारा कंटिन्यूसली किया है बिटकॉइन तक, देन उसके बाद मैंने द रिसर्चर से लेके ड्रिंकिंग वाटर पे आके थोड़ा हल्का पोज लिया था, लाइन ज़्यादा लेंथी थी इस वजह से, एंड लास्ट में फिर हमने रेगुलेशन पे पोज रखा है। ये सारा हमने 24 सेकंड में कंप्लीट किया है। अगर आप प्रॉपर तरीके से पोज रखते हैं तो फ्लुएंसी आपकी कम नहीं आएगी, और जो आपके मार्क्स हैं वो फ्लुएंसी से ही आएंगे, क्योंकि कॉन्टेंट इतना मैटर नहीं करता। स्टूडेंट अगर वन लाइन भी करके आते हैं तो भी उनका 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स आते हैं, और वो रीडिंग में भी जाते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं कि सर वन लाइन करने से हमारे स्पीकिंग में स्कोर आ जाएगा, क्या हमारा रीडिंग में भी स्कोर आएगा? जी हाँ, आपका रीडिंग में भी स्कोर आएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स परफॉर्म करके आ रहे हैं, उनका रीडिंग में, स्पीकिंग में, सभी में स्कोर आ रहे हैं। अगर आपको अपनी मिस्टेक्स का पता नहीं लग रहा है कि कैसे इंप्रूवमेंट करनी है, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है। तो चलिए हम एक और रीड अलाउड ट्राई करके देखते हैं। तो चलिए जैसे कि हमारे पास एक और ये वाला रीड अलाउड है, इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा स्कोर कितना आएगा। पोजेस देखना आप मैं कहाँ कहाँ पे रख रहा हूँ। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ए रिसेंट स्टडी हैज़ रिवील्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशंस एंड एक्सपर्टाइज इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ग्रुप परफॉर्मेंस।
The researchers investigated the process of individuals joining communication networks and how selection procedures affect group performance. The findings indicates that individuals who communicate more during training are more likely to be selected as a central member of the network. सबमिट करते हैं इसको, चेक करते हैं स्कोर आया इसमें 82, फ्लुएंसी 82, प्रोनंसिएशन 78, कंटेंट में आए 90 मार्क्स। कहीं पे भी इसने पॉज शो नहीं किया क्योंकि हमने पॉज कहाँ कहाँ पे रखा था, सिर्फ हमने फुल स्टॉप पे ही पॉज रखा था, अदरवाइज हमने कहीं पे भी पॉज नहीं रखा। एक बार हम थोड़ा पॉज रख के करते हैं और देखते हैं कि हमारा स्कोर फिर कितना आ रहा है। थोड़ी लेंथी लाइंस हैं, अगर आप कंटिन्यूसली लेंथी लाइंस को नहीं बोल सकते, अगर आप बीच में पॉज रखते हैं तो आपका कितना मार्क्स आएगा, चलिए वो चेक करते हैं। ए रिसेंट स्टडी हैज़ रिवील्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सपर्टाइज इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ग्रुप परफॉर्मेंस। द रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेटेड द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल जॉइनिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड हाउ सिलेक्शन प्रोसीजर्स अफेक्ट ग्रुप परफॉर्मेंस। The findings indicates that individuals who communicate more during training are more likely to be selected as a central member of the network. आपकी बार हमने पोज रख के किया है, चेक करते हैं स्कोर को। आप चेक कर सकते हैं स्कोर अभी भी 82 आया है, फ्लुएंसी 85 है, प्रोनंसिएशन 75, कंटेंट में 90। आप चेक कर सकते हैं, फिर से इसको सुन सकते हैं एक बार। Study has revealed the significance of communication and expertise in organizations and their impact on group performance. The researchers investigated the process of individuals joining communication networks and how selection procedures affect group performance. The findings indicates that individuals who communicate more during training are more likely to be selected as a central member of the network. तो जैसे कि अभी आपने देखा मैंने इसमें कहां-कहां पे पोज रखा था, एंड से पहले पोज रखा था, देन मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप पे पोज रखा, यहाँ पे भी नेटवर्क्स पे, देन परफॉर्मेंस, यहाँ पे कोई एंड नहीं था, कोई कनेक्टर नहीं था, तो जैसे ही हमारी लाइन कंप्लीट हुई एक ड्यूरिंग ट्रेनिंग, यहाँ पे मैंने पोज रखा, देन नेटवर्क पे। तो रीड अलाउड आपको ऐसे एग्जाम में परफॉर्म करके आनी है, अगर आप फुल रीड कर रहे हो तो। अगर आप वन लाइन कर रहे हो तो आप कहीं से भी वन लाइन कर सकते हो, मिनिमम आपकी जो रिक्वायरमेंट है वन लाइन की वो है 8 वर्ड्स, मैक्सिमम आप 12-13 वर्ड्स तक जा सकते हो। तो अभी बात करते हैं हम रिपीट सेंटेंस की, कोई भी एक रिपीट सेंटेंस निकालेंगे रैंडमली। The bus by the building goes directly to the central bus station. The bus by the building goes directly to the bus station. चेक करते हैं स्कोर। The bus by the building goes directly to the bus station. एक बार हम इसको फिर से करते हैं और अब की बार हम लास्ट में फिलर लगाएंगे, देखते हैं कि फिर स्कोर कितना आ रहा है। The bus by the building goes directly to the central bus station. The bus by the building goes directly to the station and it is very important. Let's see स्कोर कितना आ रहा है, चेक कर सकते हैं स्कोर अभी भी कितना है, 82, प्रोनंसिएशन 83, फ्लुएंसी 87, लास्ट में फिलर लगाने से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं कि अगर हम फिलर लगाएंगे, अगर हम कंप्लीट बोल रहे हैं और साथ में हम फिलर भी लगा रहे हैं तो हमारे मार्क्स कम तो नहीं आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या रखना है, बस अपनी फ्लुएंसी जो है वो मेंटेन करके रखनी है। अगर ज़्यादा लेंथी है और आप उसको फुल बोल रहे हो तो आपको फिलर लगाने की नीड नहीं है। अगर स्मॉल सेंटेंस है वो आप फुल बोल रहे हो और उसमें अगर आप फिलर भी लगा रहे हो तो मिस्टेक नहीं होगी। तो अब ट्राई करते हैं हम डिस्क्राइब इमेज, कौन सा टेम्पलेट वर्किंग है या नहीं है। काफ़ी वीडियोस आ रही थी कि टेम्पलेट्स वर्क नहीं कर रहे हैं, तो क्या सच में टेम्पलेट्स वर्क नहीं कर रहे हैं? क्या वो आपके टेम्पलेट जो हैं वो आप यूनी में ही वर्क कर रहे हैं, रियल एग्ज़ाम में वर्क नहीं कर रहे हैं? अगर आपको इसमें डिटेल में वीडियो चाहिए कि क्या है क्लियरिटी जो ये वीडियोज़ आ रही हैं कि आपके टेम्पलेट्स वर्क नहीं कर रहे हैं, अगर आप सेम लाइन बार बार एग्ज़ाम में बोल के आते हैं तो आपका स्कोर नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करें, आपको इसका लाइव प्रूफ के साथ मिलेगा कि आपके जो टैम्पलेट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या सच में एक चेंजेस आए हैं पीटी में। तो चलिए हम एक बार इसको ट्राई करते हैं इमेज को हमारे प्रीवियस टैम्पलेट से ही और देखते हैं कि स्कोर कितना आ रहा है। द गिवन इमेज गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एम्बिशन बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज एंड आई हैव टू स्पीक 40 सेकेंड्स अबाउट दिस इमेज। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन दिस इमेज। आई कैन सी मैन्युफैक्चरिंग एंड टेम्परेचर। Also, I can see agriculture and utilities. Also, I can see construction and sector. Also, I can see the numbers 10, 20 and 30.
Also, I can see the colors blue, black and white. Also, I can see the maximum and minimum element. To conclude, the image is very informative. सबमिट करते हैं इसको, चेक करते हैं स्कोर। जो आपका डिस्क्राइब इमेज का स्कोर है वो आपका स्पीकिंग में ही रहेगा, उसका कंट्रीब्यूशन बाकी मॉड्यूल में नहीं है। आप चेक कर सकते हैं स्कोर कितना है, 90 आउट ऑफ 90। आपके इसमें मिनिमम सेकंड है कम से कम 21 सेकंड, मैक्सिमम आप 30 सेकंड तक जा सकते हो। मेन रीज़न क्या है, बोलने को आप 40 सेकंड भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीज़न क्या है उसके पीछे, 20 या 25 सेकंड करने का, कि आप अपनी फ्लुएंसी को मेंटेन रख पाओ। ज़्यादा लेंथी बोलने की कोशिश करोगे, फ्लुएंसी मेंटेन नहीं होगी तो एग्ज़ाम में स्कोर जो है वो कम आएगा। ठीक है, तो अभी हम एक रिटन लेक्चर भी ट्राई करते हैं। और अगर आपको डिस्क्राइब इमेज एंड रिटन लेक्चर के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए, कि अभी जो वीडियोज़ आ रही हैं कि टेम्पलेट वर्क नहीं कर रहे या कर रहे हैं, क्या रीज़न क्या है उनके पीछे का, तो आप कमेंट करें, तो नेक्स्ट वीडियो आपकी उसी टॉपिक पर होगी। आपको पता है इस चैनल पे जो सही न्यूज़ है वो ही आती है, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती कि जिससे हमारे चैनल पे व्यूज़ आएँ। तो चलिए अब हम एक रिटन लेक्चर ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम कीवर्ड्स नोट करेंगे। Today, I am excited to speak about Alan Turing, a figure whose groundbreaking work laid the foundations for modern computing and artificial intelligence. Turing's life story is not only about scientific discovery, but also about facing adversity with resilience and courage. Alan Turing, often referred to as the father of modern computing, made significant contributions during World War II by developing techniques to break the German Enigma code. His work at Bletchley Park was crucial in deciphering coded messages, giving the Allies a decisive advantage. Post-war, Turing focused on developing one of the first designs for a stored program computer and conceptualized the Turing machine, a model that became fundamental in understanding the limits of algorithmic computation. His 1950 paper, Computing Machinery and Intelligence, questioned whether machines could think, pioneering the field of artificial intelligence. Despite his monumental contributions, Turing faced persecution due to his homosexuality, a tragic reflection of the times. Yet, his legacy transcends these challenges. Turing's life symbolizes the profound impact one individual can have on the world, breaking barriers in both technology and social norms. In conclusion, Alan Turing's life story inspires us to pursue knowledge and innovation, regardless of obstacles. His contributions continue to influence our lives and remind us of the enduring power of human. तो चलिए हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड्स हमने नोट कर लिए हैं। द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर वॉज अबाउट ट्यूरिंग। फर्स्टली द स्पीकर स्पोक अबाउट ग्राउंड ब्रेकिंग एंड कंप्यूटर। ही ऑल्सो टॉक अबाउट डिस्कवरी एंड कंप्यूटिंग। सेकेंडली द स्पीकर स्पोक अबाउट डिस्कवरी एंड मैसेजेस। ही ऑल्सो स्पोक अबाउट एडवांटेजेस एंड प्रोग्राम। इन एडिशन द स्पीकर स्पोक्स अबाउट मशीन एंड इंटेलिजेंस। ही ऑल्सो स्पोक अबाउट मनी मेंटल एंड रिफ्लेक्शन। टू कंक्लूड द लेक्चर वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग। सबमिट करते हैं इसको और चेक करते हैं कि हमारा स्कोर कितना आ रहा है। चेक कर सकते हैं आप कंटेंट में 90, प्रोनंसिएशन 82, फ्लुएंसी 90, स्कोर कितना है 87 आउट ऑफ 90। टेम्पलेट्स आप यूज़ कर सकते हो कोई भी, बट अगर फिर भी वीडियोस को देख के आपके डाउट्स हैं तो एक वीडियो ज़रूर आएगी अगर आप कमेंट करते हैं तो, डिस्क्राइब एंड रिटन लेक्चर के ऊपर। तो अभी हम ट्राई करते हैं समराइज रिटन टेक्स्ट, क्या टेम्पलेट है उसमें यूज़ करना है हमको। कोई भी हमने एक समराइज रिटन टेक्स्ट निकाल लिया। तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं समराइज रिटन टेक्स्ट। सबसे पहले हम कोई भी एक लाइन कॉपी करते हैं, जैसे कि हमने ये वाली लाइन कॉपी कर ली है जर्नी तक, इसको कॉपी करेंगे एज इट इज़, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ध्यान रखना आपको कि एग्ज़ाम में आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा एंड फिर एंड, देन उसके बाद हम क्या करेंगे एक सेकेंड लाइन कॉपी करेंगे, जैसे कि हमने दे से लेके इंडिविजुअल्स तक हमने लाइन कॉपी कर ली है एज इट इज़, हम इसको पेस्ट कर देंगे। बट ध्यान रखना है कि जो एंड के बाद वाला लेटर है उसको आपको स्मॉल करना है। फिर से हम क्या लगाएंगे कॉमा और एंड। वर्ड्स हमारे कितने हो गए 40, तो आपकी मिनिमम वर्ड्स की रिक्वायरमेंट कितनी है यहाँ पे 55। अभी एक थर्ड लाइन हम पिक करेंगे, थोड़ी लेंथी लाइन हो जो कि, तो जैसे कि हमने ये वाली लाइन पिक कर ली है ग्राउंड्स तक एज इट इज़, हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और जो एंड के बाद वाला लेटर है उसको हम यहाँ पे स्मॉल कर देंगे। वर्ड्स कितने हो रहे हैं 53, तो हम इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि स्कोर कितना आ रहा है।
सेवन आउट ऑफ सेवन। एक और ट्राई करते हैं, जैसे कि ये वाला है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी हमने लाइन को पिक कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, आपको इसमें लेंथी लाइंस पिक करनी है, इस वजह से हमने ये वाली लाइन पिक किया है। पेस्ट करेंगे इसको, लगाएंगे हम कॉमा फिर एंड। कोई अब सेकंड लाइन पिक करेंगे, हमने इसमें लाइन पिक कर ली ये वाली, वाइल से लेके क्रिएटिविटी तक। एंड जो वाइल का डब्ल्यू है उसको हम स्मॉल करेंगे, फिर लास्ट में लगाएंगे हम कॉमा एंड एंड। थर्ड वाली लाइन हम कोई भी कॉपी करते हैं, चलिए जैसे कि हमने यहाँ से कॉपी कर लिया लाइन कॉमा के बाद से प्लानिंग से यहाँ तक, काफ़ी लेंथी लाइन है, तो हमारे वर्ड्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। वर्ड्स की रिक्वायरमेंट कितनी हो रही है, 64, और इसमें रिक्वायरमेंट कितनी है, 56 से लेके 54 से लेके 75 तक। तो चलिए अब हम इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं स्कोर कितना आ रहा है। स्कोर आप चेक कर सकते हैं, फिर से 7 out of 7 आया है। अब बारी आती है ऐसे की, ऐसे की जिसने भी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं वीडियो को। उसमें मैंने तीन ऐसे के बारे में बताया है, तीन ऐसे के टैंपलेट्स हैं, कोई मर्जी आप यूज़ कर सकते हो, 90 out of 90 आपके मार्क्स आएंगे सभी टैंपलेट्स में। अब बारी आती है रीडिंग राइटिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स की। चलिए जैसे कि हमने, तो हम इसमें मार्क्स की प्रिडिक्शन में से कोई भी एक रैंडमली निकालते हैं। थर्ड पेज ओपन कर लिया, निकाल लिया हमने ब्लैंक, इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल ट्रिक से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। एट द एंड ऑफ द कॉलोनियल एरा, एज मैनी न्यू नेशंस गेंड इंडिपेंडेंस, रिलेटिव लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकेम एन इम्पोर्टेंट सिचुएशन बाई विच टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंट्रीज। द फॉर्मर कॉलोनीज पावर्स, पावर के साथ क्या आ सकता है, मैंने बताया था आपको कि एंड से पहले और एंड के बाद थोड़े आपको सिमिलर वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। पावर, इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास, हेल्थियर एंड वेल्थियर, जो थोड़े सिमिलैरिटीज़ है क्योंकि पीछे का टी एच आई आर ज़्यादा सिमिलर है, तो हेल्थियर वेल्थियर। पावर है उसके साथ, तो उसके साथ क्या आ सकता है पावर के साथ, वेल्थियर। पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जनरली बिकेम नोन एज एडवांस इंडस्ट्री और डेवलप्ड कंट्रीज डैश फॉर्मर कॉलोनीज एंड पुअरर नेशन। वेल्थियर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जनरली बिकेम नोन एज एडवांस इंडस्ट्रियल एंड डेवलप्ड कंट्रीज, और जबकि पुअरर नेशन का क्या है, वो लेस डेवलप्ड हैं, मोर पॉजिटिवली हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो अभी क्या आ जाएगा इसमें, वाइल। वेल्थियर पार्ट के पास ये सब है और पुअरर के पास क्या है, ये सब है, उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे वाइल आया है। नेक्स्ट रीड करते हैं, क्रिटिक्स ऑफ द डैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अक्रॉस द ग्लोब हाईलाइटेड ऑफ द रोल ऑफ विच वेल्थ क्रिएशन इन सेम स्पेस। अब इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन है ट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं, तो अनइवन और यूबिक्विटस। और मैंने एक और ट्रिक बताई थी कि आप ऑप्शंस में देख सकते हो कि अगर आपके पास कोई दो ऑप्शन ऐसे हैं कि जो सिमिलर्स हैं या अपोजिट हैं, तो उनमें से आपका आंसर आता है। इसमें वैसे सिमिलर अपोजिट ऑप्शन कौन कौन से हैं, अनइवन और ओड, बट ट्रिक्स किस में लग रही है, अनइवन और थर्ड वाले में, यूबिक्विटस। तो जो ज़्यादा सिमिलर ऑप्शन है वो कौन सा हो गया, अनइवन, क्योंकि उसका अपोजिट भी हमारे पास है ओड, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, अनइवन। सिंपली ये ट्रिक्स के अकॉर्डिंग है, रूल्स यहाँ पे नहीं काम कर रहे अभी, ये आप सेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अक्रॉस द ग्लोब हाईलाइटेड द रोल विच वेल्थ क्रिएशन इन सम प्लेसेस, क्योंकि देखो सभी जगह यहाँ पे वेल्थ की बात थी, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे वेल्थियर था ऑप्शन में, तो हमने वो लगाया। समटाइम क्या होता है, एक दो आंसर आपको ऐसे ही क्वेश्चन में से मिल जाते हैं। अभी लास्ट वाला हम करते हैं, द क्वेश्चन एज टू डैश इकोनॉमिक चेंजेस डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। सिमिलर देखते हैं कौन कौन सा है, WHE वेन या वेदर, अभी क्या बात है इसमें, विच वेल्थ क्रिएशन इन सम प्लेस एंड हैड प्लेड इन इम्प्रोवर्सिंग पुअर नेशन एंड रेदर डिस्क्राइब दैम एज एक्टिवली अंडर डेवलप्ड। द क्वेश्चन एज टू डैश इकोनॉमिक चेंज, वेन इकोनॉमिक चेंज या फिर वेदर इकोनॉमिक चेंज, कौन सा ज़्यादा फिट हो रहा है ब्लैंक में, वेन या वेदर, जिसको भी पता है वो पहले कमेंट करके बताएगा जल्दी से। द क्वेश्चन एज टू डैश इकोनॉमिक चेंज, वेदर इकोनॉमिक चेंज, वेन इकोनॉमिक चेंज इज डेवलपिंग। द क्वेश्चन एज टू कि वेदर इकोनॉमिक चेंज इज डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज रिमेन ए वाइटल इशू, कि जैसे जैसे इकोनॉमिक चेंज जो है डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज वो क्या है, रिमेन वाइटल इशू एज द डिबेट ओवर ट्वीट सोप्स हाईलाइट्स। चेक करते हैं आंसर्स, सभी करेक्ट्स हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा क्या आता है, रीऑर्डर पैराग्राफ्स, वो आपके जो हैं 50% तक आपको सॉल्व करने हैं। देन हमारे आते हैं इसमें रीडिंग द फिलिंग द ब्लैंक्स, सो चलिए हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं, रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स को। तो जैसे कि हमारे पास ये वाला फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको हम सॉल्व करते हैं।
In the fast changing world of modern healthcare, the job of a doctor is more likely the job of a chief executive. जो डॉक्टर की जॉब है वो किसके मिल से जुलती है? चीफ एग्जीक्यूटिव से. द पीपल हु रन हॉस्पिटल्स एंड फिजिशियंस प्रैक्टिस डोंट जस्ट नीड टू नो डैश. हॉस्पिटल एंड फिजिशियंस उनको क्या नहीं पता ज़्यादा? डोंट जस्ट नीड टू नो डैश. हॉस्पिटल्स की बात हो रही है, फिजिशियंस की बात हो रही है, सो उससे रिलेटेड हमारे पास कौन सा वर्ड है इसमें? मेडिसिन. डोंट जस्ट नीड टू नो मेडिसिन, दे मस्ट ऑल्सो बी डैश टू. यहाँ पे हमारी कोलोकेशन लग रही है, बी के बाद डैश टू. बी स्टफ टू, बी डिसीजन टू, बी स्टाफ टू, बी लाइक टू, बी एबल टू, बी एक्शन टू. टाइम देखा होगा कि बी एबल टू. दे मस्ट ऑल्सो बी एबल टू बैलेंस बजट्स, मोटिवेट ए लार्ज एंड डाइवर्स डैश. वो क्या कर रहे हैं? दे मस्ट ऑल्सो बी एबल टू बैलेंस बजट्स. बजट को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं. मोटिवेट कर रहे हैं लार्ज और डाइवर्स डैश को. किसको मोटिवेट कर सकते हैं हम? स्टफ को, डिसीजन को, स्टाफ को, लाइक को, एक्शन को, फार्मेसी को. स्टाफ को मोटिवेट ए लार्ज एंड डाइवर्स स्टाफ एंड मेक डिफिकल्ट मार्केटिंग एंड लीगल डैश. लीगल एक्शन हो सकता है, लीगल डिसीजन हो सकता है. एंड मेक डिफिकल्ट मार्केटिंग एंड लीगल डिसीजन, साथ में लीगल डिसीजन. अभी बारी आती है हमारी समराइज स्पोकन की, तो इसको भी हम करते हैं सोल्व. जैसे कि ये वाला हमने समराइज स्पोकन टेक्स्ट निकाल लिया है, इसके सबसे पहले हम कीवर्ड्स नोट करेंगे, इसको रीडू करते हैं. In our fast-paced, ever-changing world, resilience has become more crucial than ever. Resilience is not about avoiding difficulties, but about navigating through them. It's the skill to bounce back from adversity, a trait that can be developed and strengthened over time. For example, someone who overcomes a personal loss and finds a way to grow from the experience demonstrates high resilience. But how do we cultivate this resilience? It begins with fostering a positive mindset, practicing self-care, and building strong social connections. Mindfulness and cognitive behavioral techniques can also be instrumental in developing coping strategies. Furthermore, resilience isn't just an individual journey. Supportive environments, whether in families, workplaces, or communities, play a vital role in nurturing resilience. Recognizing and managing stress, providing emotional support, and encouraging open communication are key factors. Understanding and developing psychological resilience can profoundly impact our well-being. It equips us to handle life's challenges more effectively, leading to improved mental health and overall life satisfaction. तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारा जो टेम्पलेट है वो हम यहाँ पे नोट करते हैं. कीवर्ड जो है हमने नोट कर लिए हैं. ये वाला हमारा टेम्पलेट रहेगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट करते हैं हमारा फर्स्ट कीवर्ड जो है हमारा रिजिलेंस, फुल स्टॉप. देन उसके बाद हमारा नोट करते हैं हमारा सेकंड कीवर्ड्स जो कि है हमारा अवॉइडिंग डिफ़िकल्टीज. नेक्स्ट हमारा थर्ड कीवर्ड क्या है? कम्युनिटीज़. नेक्स्ट हमारा फोर्थ वाला कीवर्ड क्या है? पर्सनल लॉस. फिफ्थ कीवर्ड क्या है? सोशल कनेक्शंस. नेक्स्ट जो हमारा कीवर्ड है वो हमारा है मेंटल हेल्थ. सिक्स्थ कीवर्ड हम लगा देते हैं हमारा मेंटल हेल्थ. नेक्स्ट जो हमारा सेवन्थ कीवर्ड है वो है हमारा माइंडफुलनेस. एट्थ जो हमारा कीवर्ड था वो हमारा है कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स. नेक्स्ट जो हमारा लास्ट कीवर्ड है वो हमारा है लाइफ सेटिस्फैक्शन. फुल स्टॉप. इसको हम एक बार सही करते हैं. अभी हम इसको सबमिट करते हैं, चेक करते हैं स्कोर को. आप चेक कर पा रहे हैं स्कोर हमारा कितना है? 10 out of 10. आप इस टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं. किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इसमें कि अगर आप 64 से 65 वर्ड्स लगा के आ रहे हो तो आपको कंटेंट में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे. वो कैसे? कि अगर आप डबल कीवर्ड्स का यूज़ कर रहे हो जैसे पर्सनल लॉस, सोशल कनेक्शंस, अवॉइडिंग डिफ़िकल्टीज़, मेंटल हेल्थ, बिहेवियरल टेक्निक्स, लाइफ सेटिस्फैक्शन, अगर आप टू कीवर्ड्स कैसे यूज़ कर रहे हो तो आपके 10 out of 10 मार्क्स आएंगे. अगर आप सिंगल कीवर्ड्स का यूज़ कर रहे हो जैसे लॉस, रेजिलेंस, सेटिस्फैक्शन, कनेक्शंस,
तो आपका क्या होएगा, आपके 9+ मार्क्स इस टेम्पलेट से आएंगे। होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। तो अभी नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। रैंडमली निकाल लेते हैं कोई भी फिलिंग द ब्लैंक्स। जैसे कि हमारे पास ये वाला ब्लैंक है, अभी हम इसको एक बार सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं इसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या थी सॉल्व करने की। The impact of climate change on our planet is becoming increasingly evident. Rising temperatures, more frequent extreme weather events, and melting glaciers are just a few of the signs that our climate is changing. To combat this crisis, it is essential for individuals, communities, and governments to take proactive actions. One of the most effective ways to reduce greenhouse gas emissions is to transition to renewable sources of energy, such as solar and wind power. Additionally, conservation efforts, like reforestation and protecting endangered species, can help maintain the balance of our ecosystems. In the face of this global challenge, cooperation and collective action are crucial to safeguarding our planet for future generations. जैसे कि अभी हमने ये सॉल्व किया है, हम इसको चेक करते हैं एक बार। चेक कर सकते हैं सभी आंसर हमारे करेक्ट हैं। इसके पीछे आपको क्या स्ट्रेटजी है, कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जैसे 3-4 सेकंड्स का टाइम मिलता है, तो जो ब्लैंक से पहले वाले वर्ड्स हैं, जैसे बिकम इंक्रीजिंगली डैश, क्लाइमेट चेंजेस डैश, गवर्नमेंट टू टेक डैश, एडिशनली डैश, कोऑपरेशन एंड डैश, तो ऐसे आपको एक बार पहले रीड करना है, फिर आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपको इजली आप वर्ड कैच कर पा रहे हो। और अगर फिर भी आपसे वर्ड कैच नहीं हो रहे हैं तो आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, इंग्लिश पॉडकास्ट गूगल से, यूट्यूब से, आप कहीं से भी ये पॉडकास्ट सुन सकते हो, जिससे कि आपकी लिसनिंग पावर इंक्रीज़ होगी। अभी हम ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे इन चीज़ों के बारे में। अगर आपको डिटेल में इन चीज़ों की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें इंपॉर्टेंट टास्क, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। रैंडमली निकालते हैं कोई भी, इसमें इसमें भी जो आपकी करेक्टनेस है वो अराउंड 85% तक होनी चाहिए, कम से कम 85-90% तक आपकी हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में करेक्टनेस होनी चाहिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। There's an old timer in the neighborhood and it's got a story to tell. A new study of a relatively nearby star shows that it's almost as old as the Big Bang itself. The star HD 140283 lies about 190 light years away in the constellation Libra. Astronomers have long known that it's ancient because it contains mostly hydrogen and helium, which were present at the dawn of the universe, and few of the heavy elements that were forged later in stellar furnaces. With the Hubble Space Telescope, researchers have now pinned down the distance to HD 140283, which allowed them to determine how bright the star is. Along with the chemical ceremonials of the star, the newly derived stellar properties allowed for a new age estimate. The study of HD 140283 in the Astrophysical Journal Letters found that the star is 14.46 billion years old. But the entire universe, as you may have noted heard, is only 13.77 billion years old. The two age estimates aren't actually in conflict because there's always some uncertainty. The full age estimate is thus 14.46 billion years plus or minus 800 million years. चलिए हम इसको चेक करते हैं। चेक कर सकते हैं सभी आंसर करेक्ट हैं। वो कैसे करेक्ट होंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि आप उनके लिए पॉडकास्ट सुन सकते हो, जिससे कि आपकी लिसनिंग की पावर इंक्रीज़ होगी। जितनी ज़्यादा आपकी लिसनिंग की पावर इंक्रीज़ होगी, उतने ज़्यादा आपकी डिक्टेशन, हाईलाइटिंग करेक्ट वर्ड्स, फिलिंग द ब्लैंक्स आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा इसमें टास्क आता है जो आपको करना है 7 ईच के लिए, वो हमारा है राइट फॉर्म डिक्टेशन। इसकी जो आपकी करेक्टनेस है वो अराउंड आपकी 80% से प्लस होनी चाहिए। Our faculty includes 5 libraries in the university. Our faculty includes 5 libraries, library in the university, या फिर universities, लास्ट में हम लगा देंगे फुल स्टॉप। अवर फैकल्टी इंक्लूड्स 5 लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी इन द यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटीज। एक्स्ट्रा वर्ड्स आप इसमें लगा सकते हो, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। चेक कर सकते हो आप, 8 out of 8 मार्क्स आए हैं। तो कम से कम आपकी करेक्टनेस इसमें 80% से ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपके 7 ईच मार्क्स आ जाएंगे। फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।
आगे भी आपके ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। जय श्री राम सभी को।